सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीनिंग टू सुप्रत्यय। जैसे प्रत्यय है तो हमने देखा ना, जब प्रथमा विभक्ति मतलब ये कारक, विद्या मतलब वो कारक, तो एक कारक अर्थ हुआ उसका, देयर इज अ कारक का मीनिंग टू इट। देयर आर आल्सो नॉन कारक का मीनिंग्स टू विभक्ति। फॉर एग्जांपल दशरथस्य पुत्रः, ये उधर षष्ठी विभक्ति है दशरथ को, बट देयर इज इट्स नॉट अ कारक, दैट इज कॉल्ड संबंध षष्ठी, वो संबंध है दोनों में, सो दैट इज अ नॉन कारक का षष्ठी मीनिंग। बट कारक का मीनिंग भी होता है षष्ठी। सो अगेन जब भी हम कोई विभक्ति देखते हैं श्लोक में, तो वी हैव टू फिगर आउट कि वो कारक है या नॉन कारक है। अगर नॉन कारक है तो कौन सा नॉन कारक है तो कौन सा है, वी हैव टू बी एबल टू फिगर दिस आउट। उसको खाली षष्ठी देखना है ना, षष्ठी ऐसा नहीं, सारी विभक्तियां का भी नॉन कारक और कारक होता है। ओके यस, सो आइदर कारक मीनिंग और नॉन कारक। सो वी शैल, अभी पहले वी विल लुक एट द कारक मीनिंग, ठीक है। अभिहित मीन्स मेंशन्ड बाय और इंडिकेटेड बाय समथिंग। सो पठति इज कर्तृ अभिहित बाय तिंग, तिंग प्रत्यय। तो पठ्यते मतलब सही, ये दिस इज अगेन सेम कि समार्थिंग समार्कृत, दैट इज ओके। वो जो तिंग है उसका कैसा रहेगा, दैट इज द 3/3 विभक्ति, वो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड द्विवचन। एंड कृत रहेगा तो उसका 7/3 विभक्ति रहेगी, या फिर अव्यय रहेगा, जैसे ये अव्यय है। अव्यय का तो कुछ नहीं है, वो तो एक ही है। अभी इन द मींस नॉट मेंशन, तो अगेन सेम दिस वी हैव सीन। सो द सुप्रत्यय इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ प्रातिपदिक टू गिव अ स्पेसिफिक कारक मीनिंग ओनली इफ दैट कारक इज अनभिहित। 2-3-1 व्हाट इज द सूत्र, सूत्र इज अनभिहित। अगर वो क्रियापद में वो कारक अनभिहित है तभी वो जो विभक्ति उसको प्रिस्क्राइब की गई है वो आएगी, अगर वो अभिहित है तो नहीं आएगी। अच अनभिहित, हां क्या अच सूत्र अनभिहित, अभिहित अनभिहित इज द सूत्र। 2-3-1 बाय व्हाट मींस दीस कारक का मीनिंग्स आर मेंशन इंडिकेटेड पाणिनि अष्टाध्याय में दूसरा अध्याय तीसरा पाद पहला सूत्र।